क्षमा करना दीदी, हमारे सिंगल द्वीप में तो मुस्कुराकर मिलने की परंपरा है। आपको भोजन में आज नमक की मात्रा अधिक नहीं लगेगी? ये तो अभी तय हो ही जाएगा कि हमारी थाली का भोजन हमारे पेट में जावेगो या कोई गाय को डालना पड़ेगा, समझी दासी? कोई कुछ भी कहे पर खाना बनावे में नई बहू बहुत पारंगत है। पर हमें लगता है कि भोजन में नमक कुछ अधिक होगा, क्योंकि हम सिंगल द्वीप में नमक का प्रयोग अधिक करते हैं। लगता है थारी दाल तो हो गई, अब जल्दी से बाटियां बना लो, भोजन का समय हो रहा है। पिताजी महाराज और वे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दीदी, क्या सच में आपको दाल बाटी अच्छी नहीं लगी? सबकी प्रशंसा से मदमाओ ना छोटी बहन, थारो जो स्थान है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला ना है, ना रात में और ना ही दिन में। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मंदाकिनी, तुमने नागमती दीदी को पलट कर जवाब क्यों दिया? वो बात ही कुछ ऐसी कर रही थी। वो कुछ भी कहे, वो बड़ी है, हमारी दीदी है और इस चित्तौड़ की होने वाली महारानी भी। तुम हर बात पर उन पर संदेह क्यों करती हो? क्योंकि आप बहुत भोली हैं सिंगल द्वीप की राजकुमारी, और लोग आपके इसी भोलेपन का अनुचित लाभ उठाते हैं। और आपको तो ये बात समझ में भी नहीं आती, आप माने या ना माने, लेकिन आज के भोजन को बेस्वाद बनाने में नागमती दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी तो देखा नहीं कैसे कर रही थी, जैसे रंगे हाथों पकड़ी गई हों। ऐसा तुम्हें लगता है, वो ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। अच्छा, अब जा, जाकर सो जा। अच्छा, तो राजकुमारी जी को एकांत चाहिए, नहीं चले जाएंगे? क्या हम नहीं जानते कि महाराज कुमार आपके कक्ष में आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आएंगे। इन महलों की परंपरा है कि सूरज ढलने के बाद पुरुष अपनी दूसरी पत्नी के कक्ष में नहीं जाते। इन महलों की या महाराज कुमार की पहली पत्नी की? ये सब आपसे किसने कहा? माँ ने। माँ
यशोवर्धन, आपकी मां ने आपसे छूट कहा है, वो बुरी नहीं है और ना ही यहां से कुछ ले जाने आई है, वो तो बस अपना प्रेम आप पर लौटाने आई है। यशोवर्धन, आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए, आपकी छोटी मां है, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और देखना वो आपको। यशोवर्धन को झूठ सिखाने का मतलब जान सकते हैं हम? हमने कोई झूठ नहीं कहा है अपने यशोवर्धन से। यशोवर्धन, अभी अभी आपके पिताजी ने जो आपसे कहा है वो सब झूठ है। अगर आप उससे मिलने गए तो याद रखियो, सीधा उठाकर काल कोठरी में फेंक देंगे, फिर वहीं पड़े पड़े रोते रहिए आप। और आप इनसे उतनी ही बातें कीजिए जितनी की मतलब की होंगी। अगर आपने इनसे बेमतलब की बातें की तो ठीक ना होगा। सच बताना राजकुमारी जी, ये नागमती दीदी ने ही किया है ना? पर ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा और महाराज कुमार ने मान लिया, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो किसी की अनुचित बात कैसे मान सकते हैं? बहुत हो गया मंदाकिनी, हम सब कुछ सुन सकते हैं पर इनके विरुद्ध कुछ भी नहीं। हम भी आपको इस अवस्था में नहीं देख सकते, हम अभी जाकर मामा जी से बात करेंगे। हमें यकीन है वो अवश्य महाराज कुमार से इस विषय में बात करेंगे। रुक जाओ मंदाकिनी, हमारे बीच मामा जी को लाना ठीक नहीं, ये हमारे अंतपुर की बातें हैं और हमारे अंतपुर तक ही रहे तो अच्छा है, और तुम्हें भी हमारे बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कुछ भी कहें लेकिन मैं नागमती दीदी के हाथों आपका अनिष्ट होते नहीं देख सकती, और हम भी कब तक उनका अत्याचार सहती रहेंगी? महाराज कुमार की पत्नियां आपस में वार्तालाप करना चाहती हैं। दासी के तू हमें अकेला छोड़ सके है? पद्मिनी, आज तो तुम अपनी सहेली के सहारे जीत गई, पर कल थारे को हारने से कौन बचावेगा? किस हार से दीदी? अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, और अगर सच्ची में तुम इतनी भोली हो तो जितना हम कहते हैं उतना सुनो। यो रात रात भर महाराज कुमार की प्रतीक्षा करना छोड़ दो, बी से कुछ ना होगो, थारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और अगर तुम अस्वस्थ रही तो नृत्य प्रतियोगिता कैसे जीतोगी? नृत्य की प्रतियोगिता? हाँ, चित्तौड़ की एक और परंपरा है, नई बिंदड़ी की किसी के साथ नृत्य की प्रतियोगिता होवे है, और वो भी राजपुताना का कोई बहु प्रचलित नृत्य, और थारी नृत्य की प्रतियोगिता किसी और के साथ ना है, वो तो हमारे साथ है। पर हमें तो घूमर आता ही नहीं दीदी। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 3 प्रहर का समय और है, सीख लो। और हाँ, इतना याद रहे कि
कि अगर तुम्हारी पराजय हुई तो महाराज कुमार बहुत अप्रसन्न होंगे। नहीं बहू, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके चिंता का कारण क्या है? माँ जी आप यहाँ? हाँ नहीं बहू, मैं आपके कक्ष की झाड़पोछ करने यहाँ आई हूँ। आपको चिंतित देखा सो पूछ लिया। नहीं माँ जी, चिंता का ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपको बताया ना जा सके। बात यह है कि चित्तौड़ के राजमहलों की एक और परंपरा है कि नई बहू को यहाँ किसी को नृत्य में हराना पड़ता है। पर माँ जी, हमारी चिंता विजय या पराजय नहीं है, हमारी चिंता तो नृत्य की चिंता है। नृत्य की? किस प्रकार के नृत्य की बेटी? राजपुताना का नृत्य। हमने बहुत से शास्त्रीय नृत्य सीखे हैं, पर राजपुताना के नृत्य के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं, हम दिखाते हैं आपको। ऐसे? नहीं ऐसे नहीं, एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे, और ऐसे और एक तरफ से कमर झुकाकर ऐसे, और इसमें घूंघट नहीं हिलना चाहिए, समझे आप? ठीक है, बहुत खूबसूरत। हमने सुना है कि नागमती यहां पर आए थे। आपसे किसने कहा? तो ये भी जानते हैं कि कैसे आपको रात भर के लिए उसने उस नृत्य में उलझा दिया, जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो है, हमें सबके सामने नृत्य जो करना है, और वो भी राजपुताना का नृत्य। ऐसी कौन सी परंपरा है जिसके बारे में हम नहीं जानते? आप नहीं जानती पद्मिनी, नागमती परंपराओं के नाम पर आपको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे बीच में समझौता हुआ था कि अगर हमने उनकी बात मान ली तब वो महल का वातावरण दूषित नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि एक बार फिर हमें इसी विषय में उनसे बात करनी पड़ेगी। आप क्रोध ना करें, हम हैं ना, हम भी तो चित्तौड़ के परंपराओं को जानना चाहते हैं और उन्हें आत्मसात करना चाहते हैं, जिससे आपके चित्तौड़ के लोग हमें हृदय से स्वीकार कर सके। इसमें नागमती दीदी का कोई दोष नहीं। पर पद्मिनी, घूमर में मस्तिष्क के साथ साथ पैरों का भी प्रयोग होता है, जो निरंतर अभ्यास से ही संभव है। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमें राजपुताना का नृत्य नहीं आता, पर हमें विजय या पराजय की कोई चिंता नहीं। हम अपनी तरफ से पूरे मन, लगन और हृदय से नृत्य करेंगे, और अगर हम नहीं कर पाए तो क्षमा मांग लेंगे, इस आशय के साथ कि भविष्य में हम जल्द ही राजपुताना के इस नृत्य में पारंगत होकर कुल की ये परंपरा पूर्ण कर देंगे। अगर आपका हम पर विश्वास है तो हम कुछ भी कर जाएंगे। अभी तो आपके लिए एक ऐसा समाचार है जिसे सुनने के बाद आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। पिताजी महाराज ने मामा जी को अपनी सेना में प्रधान सेनापति के पद के लिए आमंत्रित किया है, और इस बात का निर्णय मंत्री और सभासदों में आज ही हो जाएगा। हम जानते हैं महाराज,
कि आपको इस बात की अनुभूति है कि अब वो समय आ गयो है कि नई बहू के मामा जी को आभार व्यक्त कर सही सम्मान के साथ सिंगल द्वीप के लिए रवाना की हो जाए। क्षमा कीजो महाराज, पर ये तो क्षत्रियो में एक नई परंपरा चल निकलेगी, जो आज तक ना हुआ वो होने लगेगा। आपकी बातों ने तो हमें एक नए धर्म संकट में डाल दिया है महारानी। हम आपसे इस विषय में कुछ और ही कहना चाहते थे, और वो ये कि हम गोरा सिंह जी को अपने दरबार की शान बनाना चाहते। आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए चित्तौड़ के लोग और यहाँ की परंपराएं आपको ये करने की अनुमति देगी महाराज? परंतु हम जो करने जा रहे हैं वो चित्तौड़ के लोगों और उनकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए ही करने जा रहे हैं महारानी। नीम कड़वी अवश्य हुआ है, पर औषधि के रूप में बड़ी प्रभावशाली हुआ है।